नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज और आज फिर से मैं आपके अपने परिवार सक्सेस फिक्स में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आज क्या हम एक आज नया टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? आज के टॉपिक में आपको क्या बहुत ही मजा आने वाला है क्या? आज का टॉपिक है क्या, डिस्काउंट यानी कि छूट या बट्टा कह सकते हैं आप इसे, क्या बट्टा या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, छूट। तो जब आपको पता है कि अगर आप किसी भी चीज यानी कि किसी भी चीज के बारे में या खरीदने की सोचते हो, या फिर आप सबसे पहले क्या पूछते हो उससे, क्या दुकानदार से क्या पूछते हो, शॉपकीपर से आप पूछते हो कि भैया इसमें कितना डिस्काउंट है, इसमें कितनी छूट मिल रही है, और उसने कह दिया क्या भैया आज यानी कि आज आपके लिए या न्यू ईयर के सीजन पर आपको एक बहुत ही बढ़िया क्या छूट दी हुई है। क्या मान लीजिए उन्होंने क्या कह दिया, 50% की छूट दी थी, आपका मन प्रसन्न हो गया क्या, आप अंदर से खुश हुए भैया क्या 50% की छूट मिल गई क्या, 50%। लेकिन पता वो क्या करते क्या है, वो उसका प्राइस पहले से ही बढ़ा देते हैं। फिर क्या मतलब कि मान लीजिए आपके पास कोई 500 की चीज थी पहले, क्या 500 की चीज थी और उन्होंने क्या 1,000 रुपए क्या MRP कर दी उसकी, और उन्होंने क्या फिर कह दिया कि भैया आपको इस पर 50% की छूट है। लेकिन वो मिल तो पहले भी 500 की रही थी, लेकिन आपको क्या उनने क्या पागल बनाने के लिए क्या कर दिया कि डिस्काउंट चिपका दिया, रेट बढ़ाकर क्या MRP बढ़ाकर उसकी क्या आपको छूट दे दी क्या 50% की। क्या उन्हें तो कुछ हुआ नहीं और उन्हें तो क्या फायदे भी हुआ, क्योंकि आप जैसे ही आजकल के लोगों में इतना सा क्या रहेगा, एक मनोवैज्ञानिक समझ लीजिए या मन की बात समझ लीजिए कि अगर उसे छूट या फ्री का कोई चीज मिलेगी तो उसे वो लेने के लिए दौड़ेंगे क्या, चाहे उसमें नुकसान हो या फिर फायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि डिस्काउंट होता क्या। क्या डिस्काउंट होता है कि किसी चीज पर मिलना, छूट मिलना या बट्टा मिलना। अब मान लीजिए कि आपसे कह दिया कि 100 रुपए की चीज है और उन्हें क्या 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो बताइए कि यह कितने की पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले क्या डिस्काउंट पर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हो और आप पुराने हो तो आपने पहले कर ही लिया होगा, इतने तो आप होशियार ही हो गए हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए क्या, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा जरूर एंड में कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले क्या डिस्काउंट होता क्या, कि मान लीजिए आपसे क्या आप 100 रुपए की चीज है, क्या कोई 100 रुपए की चीज है और उन्हें क्या कह दिया कि आपको 10% का हमने क्या डिस्काउंट दे दिया, क्या 10% का डिस्काउंट यानी कि वो आप कितने की हुई, 90% की, कितनी 90% की। आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया आपके पास, अब आपको वह चीज कितने रुपए में मिलेगी, 90 रुपए में मिलेगी, क्या 90 रुपए में मिलेगी। अब आपसे आगे किसे कह दिया कि अब ये बात आती है क्या कि आपके पास दो बट्टे दे दिए उनने, क्या एक तो आप दो बट्टे दे दिए कितने के, कि उनने क्या 100 रुपए की चीज थी और उनने क्या बट्टा दे दिया कितने का, क्या उनने छूट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया कितने का, पहले दिया उनने 10 का, कितना 10 का दिया, तो आपको क्या हो गया 90/100। अब उनने क्या कह दिया इसी को, उनने क्या पहले 10 का दिया 10% की छूट, और फिर क्या कह दिया कि अब हम आपको 20% की छूट देंगे, क्या 20% की छूट देंगे, तो क्या होगा 80/100, क्या हो जाएगा आपका 80/100। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2 0 से 2 0, तो अब क्या होगा 9 8 72, क्या 9 8 72, तो वह चीज वह रुपए यानी कि वह आपको कितने की मिलेगी, 72 रुपए की, क्या 72 रुपए की, यानी कि आपको क्या हो जाएगा अगर 100 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना पड़ेगा, यानी कि आपको कितने की पड़ गई, यानी कि 28 रुपए की आपको छूट दी उन्हें, यानी कि 28 रुपए, आप 100 पे अगर 28 रुपए का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, उन्हें क्या कर दिया 28 रुपए की आपको यानी 28% की आपको क्या डिस्काउंट दे दिया, क्या दे दिया आपको डिस्काउंट। अब आप बात आती है डिस्काउंट में, अब डिस्काउंट की बात चल रही है तो आगे हम और देखते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की यानी कि बट्टा की या छूट की। तो अब आगे देख लीजिए, अब किसी ने कहा कि हम आपको क्या कर रहे हैं,
एक जगह तो मिल रहा था आपको 50% का डिस्काउंट, कितने का डिस्काउंट मिल रहा था आपको, कितने का 50% का, और दूसरी जगह क्या कह रहे थे वो, हम आपको क्या पहले डिस्काउंट कितने का देंगे, उनने कहा कि दो बात है 19 में, क्या पहले हम डिस्काउंट देंगे आपको 20% का और फिर देंगे हम आपको 30% का, क्या 30% का। तो आप सोच रहे होगी, सोच रहे होगी, सोच रहे होगे कि क्या यहाँ पर भी आपको कितने 50% का डिस्काउंट, यहाँ पर 50% का मिल रहा, और अगर आप इसे जोड़ोगे तो यहाँ पर भी क्या कह रहे हैं, यहाँ पर भी 50 हो रहा, लेकिन 50% हो रहा, लेकिन आपका यहाँ पे क्या नहीं, ये 50% डिस्काउंट नहीं होगा आपका। वो कैसे, अब मैं आपको काउंट निकाल कर बताता हूँ या सिद्ध करके बताता हूँ, प्रूव करके बताता हूँ कि जे और जे बट्टी में, और मान लो एक दोस्त था, आप दो दोस्त हो, कि उन्होंने कहा कि चलो कि आपको तो पता है और आपके दोस्त को नहीं पता है, तो एक जगह लिखा था, एक दुकान पे लिखा था कि 50% का छूट है, 50% डिस्काउंट है, और एक जगह लिखा था कि आपको 20% का डिस्काउंट है और फिर हम आपको क्या उसी पर 30% का दे देंगे। तो उन्हें आपके दोस्त ने कहा कि फर्क क्या है इसमें, क्या डिफरेंस क्या है बताओ यार, ये भी 50 का दे रहा है, ये भी 50 का दे रहा है, तो कहीं से भी ले लें, लेकिन नहीं आपको लेना क्या है जे वाला। वो कैसे, आपको 100 रुपए की चीज थी, 50% का डिस्काउंट मिल गया, तो आपको कितनी पड़ जाएगी, 50 रुपए की। अब आगे देखिए इसी केस में, अब आपके पास वही 100 रुपए की चीज थी, एमआरपी यानी कि आपके पास 100 रुपए की थी, तो अब पहले आपको कितने का मिला, 20% का यानी कि 80%, क्लियर दोस्तों। अब उनने क्या कह दिया कि इसी पर हम क्या कितने का दे रहे हैं, 30% हो दे रहे हैं यानी कि 70 दे रहे हैं। अब 70 हो जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि आपको आटू फालतू 56, यानी कि अब आपको पहले वो कितने की, अगर 50% देते एक बार में तो आपको कितने रुपए की पड़ेगी, 56 रुपए की। अब आपको वही चीज कितने की पड़ेगी, सॉरी 50 रुपए की पड़ेगी, अब वही चीज आपको कितने की पड़ेगी, 56 रुपए की। तो अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पर दुकानदार को 6 रुपए का फायदा पड़ रहा, यानी कि अगर 100 में से 56 को घटाया जाएगा तो कितने का पड़ेगा, कितने का, 44% का, यानी कि वह 44% दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर कितना मिला था आपको, 50% में, यानी कि अगर वो ऐसे दुकानदार है यानी शॉपकीपर है तो पहले अगर वो ऐसे देगा तो उसे 6 रुपए का पड़ेगा फायदा, और ऐसे में क्या 6 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक ही डिस्काउंट पर, यानी कि जो बड़ा, अगर दो जोड़कर आ रहे हैं तो उस पर नहीं जाना है, आपको किस पर जाना है कि एक पर, यानी कि इसको आपको फायदा पड़ेगा, क्लियर दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक क्लियर हो गया हो। अब बात आती है जब दो बट्टों की, क्या जब दो बट्टों की वो बात आई है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे इसमें, आपको अगर आपके पास डिस्काउंट है, कितने का डिस्काउंट, 1 है आपके पास 20% का, और डिस्काउंट 2 है वो कितने का, 30% का, क्लियर दोस्तों। क्या है, डिस्काउंट 1 है आपके पास 20% का और डिस्काउंट 2 है आपके पास 30% का, तो इसको निकालने के लिए नहीं, एक बट्टा यानी कि जिन दोनों को मर्ज करने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, एक तो मैंने वो तरीका बता दिया कि 100 माइनस, पहले मान लीजिए D1 बटा 100 और D2 बटा 100, ऐसे तो आप इसे कर सकते हो, लेकिन आपके पास दो बट्टे दिए हो तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे बढ़िया है कि आप क्या करेगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बाय अपॉन 100 आप जे करिएगा, ठीक है, यानी कि 20 प्लस 30 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 30 माइनस 20 गुणा 30 बटा 100%, क्या परसेंट, यानी कि आपको निकालने की ट्रिक होनी चाहिए। अब आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, 50 माइनस कितना हो जाएगा, 50 माइनस 3 गुणी 6, तो कितना आएगा आपका, आएगा 44%, वो हमने आपको बता दिया, यानी कि आपका समतुल्य बट्टा, यानी कि समतुल्य बट्टा आपका आ जाएगा 44%, क्लियर दोस्तों। अगर हम इसी को अगर हम दोबारा से करना चाहें, दूसरे सेकंड यानी कि थर्ड मेथड से करना चाहें, क्या थर्ड मेथड, ये सेकंड मेथड थी और ये हमारी क्या फर्स्ट मेथड थी, क्या फर्स्ट मेथड। अब थर्ड मेथड एक और आएगी, आपके पास कितना था, 20% था,
20% था, क्लियर। तो आप क्या कह सकते हो कि 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, 1/5। तो आपको पता है कि 5 का 20% 1 होगा, यानी कि 5 की थी और 1 का आपको बट्टा मिला, तो वो कितनी की हो जाएगी, 4 की, क्लियर दोस्तों। अब आपके पास आगे आती है बात कितनी, 30% की। तो 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30/100, यानी कि क्या आप लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखने हो क्या कर सकते, 30/3/10 लिख सकते थे, यानी कि आपके पास क्या जीती आपकी क्या 10% का, 10 रुपए का, 10 का 30% कितना होगा, 3, यानी कि वो 10 रुपए की चीज थी, कितने की थी, 10 रुपए की चीज थी, और आपको कितने की, कितने का डिस्काउंट हुआ, 3 रुपए का, यानी कि आपको यहाँ पर 60 का, क्लियर दोस्तों। अब आपको क्या, आप इधर से अगर इधर कोई कट रहा है ऐसे में तो आप काट लीजिए, अन्यथा नहीं काटिए, आप आना वही है, क्लियर दोस्तों। यानी कितना हो जाएगा ये 50, मुझे यहाँ पर कितना होगा, 7 चौके 28, कितना, 7 चौके 28। अब आप देखिएगा कितना, 7 चौके 28। तो अब आप देखिएगा, यानी कि आपका जो क्या मूल है, यानी कि जो मेन प्राइस होती है, यानी कि आपके पास 50 था, 50 किसके बराबर है, 100 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। अब आपके कितना था, 28, तो 28 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 दूनी 56, यानी कि अब आप इसे 100 से माइनस करोगे तो 56 कितना हो जाएगा, 44%, यानी कि आपका टोटल बट्टा कितना है, समतुल बट्टा कितना आ जाएगा, 44%, कितना आ जाएगा दोस्तों, 44% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से, क्या आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन से, क्या क्वेश्चन से, मैंने जो थर्ड नंबर की बताई आपको, जो है सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी, क्या आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि जे इस बारी ट्रिक से हम सिर्फ 2 के लिए निकाल सकते हैं, उससे तो हम निकाल सकते हैं सबके लिए, लेकिन आपको उसमें टाइम लग जाएगा, इससे की बढ़िया कि आप ऐसे करिएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि किस परसेंट का कितना लिखा जाता है, क्लियर दोस्तों। वो वाले जे अभी हमने ट्रिक बताई है, यानी कि जे हम सबसे एंड में यूज करेंगे, क्या सबसे एंड में यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्या जो समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और शुरुआत में हम क्या नॉर्मली क्वेश्चन लेते हैं, और हम क्या इस डिस्काउंट को हम 2 दिन में ही खत्म कर लेंगे, क्या डिस्काउंट छोटा ही सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, सिर्फ 2 दिन में, यानी कल आपका खत्म हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा इसका, यानी कि अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य आप सीपी मान लीजिए कितना 100, कितना आप 100 मान लीजिए। अब उनने क्या कर दिया, कितना वो इस पर क्या कर रहा, वो 20% अंकित, यानी कि एमआरपी वो कितने कर रहा हो, 20% अधिक, 20% अधिक, यानी कि आपको कितना होगा, 120 रुपए, क्लियर दोस्तों। अब उनने क्या कह दिया कि अगर वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, यानी कि छूट को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्काउंट, यानी कि वो 120 रुपए पर, अब कितना था पहले, 100 रुपए मान ली दिया हमने, और फिर हम उनने क्या कह दिया, 120 रुपए पर 8% की अगर वो डिस्काउंट देता है तो उसे अब कितना लाभ होगा। तो आप देख रहा होगा कि अगर 20%, 120 का हम कितना 92% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या 0 से 0 कट जाएगा, कितना 0 से 0 कट जाएगा। अब आप देखिए 12 दूनी 24, कितना 12 दूनी 24, 12 नम्बर 108, कितना 12 नम्बर 108 और 2 110, 110। अब आपको दिख रहा होगा कि कितना 12 दूनी 24, 8% का उसने डिस्काउंट दिया था, तो अब आपका कितना आ गया, 10.4, कितना आएगा, 10 110.4। अब आपको दिख रहा होगा कि अब उसे फायदा कितने का होगा, 104, क्या 110.4, और कितने की थी, कितने की थी, सॉरी 100 रुपए की थी, 100 रुपए की थी, अब इस पर कितना था, 104 का बेच दिया, तो कितना हो जाएगा, यानी 10.4 का उसे फायदा होगा, कितने पर, 100 पर होगा, इनटू परसेंट,
तो क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये 10.4, क्या 10.4 का उसे क्या फायदा हुआ, यानी कि प्रॉफिट उसे कितना हुआ, 10.4% का उसे प्रॉफिट हुआ। क्लियर दोस्तों, यानी कि आपका बी फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। क्या आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व करिए। क्या अच्छा क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या आप सही से समझिएगा और थोड़ा अपना दिमाग इधर रखिएगा, कहीं कहीं पर किसी की भी बात नहीं सुनिएगा। आप पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचिएगा, कि आपको एक ही आपके मन मन में दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए। क्या आपके मन में और दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि हमें क्या जॉब चाहिए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपको जॉब चाहिए। अगर आपको जॉब नहीं चाहिए तो आपका मन में एक और बात होनी चाहिए कि मुझे जॉब नहीं करना है, क्या आपको सिर्फ सीखना है, यानी कि आपको सीखना है तो आप सीखिए। बस आपको क्या, आप अपने पास एक रॉ आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए और एक पेन होनी चाहिए, यानी कि पेन और कॉपी होना जरूरी है मैथ के लिए, पेन और कॉपी जरूरी है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो क्या किया, कहा इन्हें कि एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% की छूट दी जाती है, वह ग्राहक 39 में इस सामान को खरीदता है, तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। क्या है डिस्काउंट, उसे डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 2 सही 1/2% का। क्या डिस्काउंट आपके पास कितना दे दिया, 2 सही 1/2% का। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/4 को, 1/2 का 2 × 4 = 5, क्या 2 × 4 = 5/2%। क्लियर दोस्तों, अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5/200, कितना 5/200, तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 × 20, यानी कि आपके पास क्या 1/4, क्या 1/4। क्लियर दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा कि 40 की चीज थी, क्या 40 की चीज थी, कितने 40 की थी कोई वस्तु, उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट मिला। क्या 40 की थी और 1 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो कितने का हो जाएगा, 1 का डिस्काउंट मिला, यानी कि तो आपका एसपी कितना हो जाएगा, 40 - 1 यानी कि 39 रुपए। और उनने क्या कहा था, तो उनने भी कहा था कि सेलिंग प्राइस उनका कितना था, 39 रुपए का। तो हमारे पास आपको दिख रहा है कि उनका एसपी भी कितना आया, 39 का, और हमारा भी कितना, हमने क्या किया, 39 का, क्योंकि आपको पता है कि 40 की चीज थी और डिस्काउंट हमें 1 का मिल गया, तो कितना हुआ, तो आपको दिख रहा होगा 39 = 39, तो 1 = 1, यानी कि अब 40 बराबर क्या हो जाएगा, 40 का आया आपकी एमआरपी है, क्योंकि हम एमआरपी पर तो क्या करते हैं, एमआरपी पर ही हम डिस्काउंट देते हैं, तो आपकी 40 बराबर क्या हो जाएगा, 40, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। क्या कहा था हमने कि एक ग्राहक था, क्या सॉरी, एक ग्राहक को एक सामान की अंकित मूल्य पर, क्या अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का उन्हें डिस्काउंट दिया, तो हमने इसे सॉल्व किया तो 1/40 जा रहा आएगा, यानी कि जो आपके नीचे रहता है वो आपका क्या होता है, मूल मूल, यानी कि मूल वैल्यू होती है, मेन वैल्यू। क्या जी आप उसे क्या लिख सकते हैं, मेन वैल्यू लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, क्या आप इसे मेन वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर आपका मूल होता है, यानी कि जो इसी पर जो सब होता है इसी पर होता है, यानी कि अब आपके पास क्या 40 रुपए का एमआरपी आई, यानी 40 की, तो अब इसका यानी कि 1 पर 1 की उसे क्या 40 रुपए पर 1 रुपए की उसे डिस्काउंट मिला, तो इसका एसपी कितना हो गया, 39, यानी कि 39 = 39, तो 1 = 1, तो 40 = 40। क्लियर दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या आपसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। आज जो आप सीखने जा रहे हो इसका एग्जाम में बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। क्या आज जो हम सीखने जा रहे हैं डिस्काउंट, इसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है और हमारे दैनिक जीवन में ही बहुत वैल्यू रखता है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको लेक्चर दे चुका हूं कि जो आपको पता ही है कि आपको डिस्काउंट दिखेगा आप उधर ही रहोगे,
लेकिन डिस्काउंट का सही फायदा उठाना है तो आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप कोई भी मार्केटिंग कीजिएगा, क्या आप कोई भी मार्केटिंग कीजिएगा, आपको फायदा ही होगा, क्या मैं आपको फायदा ही दिलवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास तीसरे नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पढ़िएगा, समझिएगा और सॉल्व करिएगा, क्या आप उसे पढ़िएगा और समझिएगा और सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, यानी कि आपके पास MRP, क्या आपके पास MRP 900 रुपए है, आपके पास MRP कितने रुपए की है? 900 रुपए की है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहा उनने, एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है। क्या करता है? एक खुदरा व्यापारी होता है, इस पर क्या डिस्काउंट कितने का करता है वो? 40% का। क्लियर दोस्तों, कितने का करता है? 40% का करता है। तो इसे खुदरा व्यापारी 900 में बेच देता है, यानी कि एक है आपके पास होलसेलर, क्या जे आपके पास है होलसेलर, और इसने MRP रखी है 900 रुपए की, और उसने क्या 40% का इस पर डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 900 रुपए पर आपको 40% डिस्काउंट बचा, तो कितना बचा? 660। क्लियर था, 2 0 से 2 0, 2 0, तो 954, यानी कि वो खुदरा व्यापारी ने कितने की खरीदी? तो आपको पता है कि उसने कितने की खरीदी, खुदरा व्यापारी ने, खुदरा व्यापारी का CP यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 540 रुपए हो जाएगा। तो अब आ गया आपके पास क्या, तो आप बताइएगा कि जो व्यापार बताइए कि व्यापारी को कितना लाभ प्रतिशत, यानी कि जो कौन था, यानी कि जो व्यापारी आया, यानी होलसेलर के पास, क्या एक व्यापारी आया होलसेलर, तो होलसेलर ने उसे कितने 540 रुपए के दिए। क्लियर दोस्तों, 540 रुपए की पड़ी। तो अब आपको पता है कि अब क्या व्यापारी का SP कितना है? 900 रुपए। आगे क्वेश्चन में क्या है? 900 रुपए, और उसने खरीदी कितनी में थी? 540 में। तो प्रॉफिट उसे कितना हो जाएगा? कितने का? 0 0 4 6 और 8 9 5 का 3, यानी 360 रुपए का। कितने पर हुआ? 540 रुपए पर। तो परसेंट निकालेंगे हम, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 9 6 54 9 4 36। क्लियर दोस्तों, अब 3 से काटेंगे तो 2 बार, 2 से काटेंगे तो 3 बार, और इसे काटेंगे क्या तो कितने में जाएगा? तो आपका पास 20, यानी कि 200 बटा 3। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 66 सही 2/3%, यानी कि उसे कितने का प्रॉफिट हुआ? 66 सही 2/3 था, यानी कि आपका थर्ड नंबर का सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या? फोर नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आप सही से समझिएगा, सबसे पहले क्या सही से समझिएगा, और डिस्काउंट तो आपको सही से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट हमारी रियल लाइफ से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। क्या? डिस्काउंट है जो हमारी रियल लाइफ से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। क्या? बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको समझाई दिया कैसे नंबर कनेक्टेड क्वेश्चन है, आपकी अब स्क्रीन आपसे पर सॉल्व है कर लिया और आपसे सॉल्व कर रहे होंगे, आपने पढ़ लिया होगा। क्या? फोर नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपने उसे पढ़ लिया होगा, आपसे सॉल्व कर रहे होंगे। क्या? सॉल्व कर रहे होंगे। तो हमारे पास क्या था कि क्या क्या था हमारे पास क्वेश्चन कि एक वस्तु का 15% की छूट यानी बट्टा दूसरी वस्तु के 20% की छूट के बराबर है, यानी बट्टे के बराबर। आप मान लीजिए कि आपके पास एक वस्तु एक्स और दूसरी वस्तु है वाई। क्या? आपके पास एक वस्तु है एक्स और दूसरी वस्तु है वाई। अब उन्हें क्या कहा कि एक्स का 15%। क्लियर दोस्तों, अब आपके पास बराबर है कितने? वाई के 20% की। क्लियर दोस्तों, तो अब आपके पास क्या हुआ कि अब x into 15 और y into 20। क्लियर दोस्तों, आज इसे सॉल्व करेंगे तो 3 बार जाएगा और 4 बार, यानी कि x ratio y = 4:3। क्लियर, तो x ratio y = 4:3 हो जाएगा आपका। क्या? 4:3 आ जाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन से देख लीजिएगा कि आपके पास टोटल क्या 4:3 है, आपके पास
फोर रेशियो थ्री है। तो अब आप देखिएगा कितना आएगा आपका, आप इसे सॉल्व, आपका आएगा क्या, आपका आएगा, अब आप इसमें क्या करिए, इसमें ऑप्शन देखिएगा कि फोर रेशियो थ्री आपको सरल पड़ेगा कि आप ऑप्शन देखिए कि आपको फोर रेशियो थ्री कितना बन रहा है। तो अब आपके पास क्या, आपके पास डी ऑप्शन है। क्या डी ऑप्शन पे आप जाइए सीधे, क्या 80:40 करके देखिए क्या। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 80:60 है, कितना 80:60, 80:60 आप ये सॉल्व करेंगे तो 20 30 60, 20 84, तो कितना बन गया, तो हमारे पास क्या डी ऑप्शन इज सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या डी ऑप्शन आपके पास सेटिस्फाई हो गया होगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है और आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो आपके पास क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आपसे एक ही बात कहूंगा कि अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जय हमारा RRB NTPC, क्या NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम है ना जो हमारे सर पर मंडरा रहे हैं। क्या ये दोनों क्या एग्जाम है जो हमारे सर पर मंडरा रहे हैं, तो हमें सही से सीखना ही है। दोस्तों आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, यानी कि कुर्सी की एमआरपी कितनी है, अंकित मूल्य या मैच प्राइस कह सकते हैं, एमआरपी कह सकते हैं, कितनी है 800 रुपए है, कितनी है 800 रुपए है। अब उनने क्या कहा आगे कि दो क्रमागत बट्टे क्रमशः 10% और 15% लेकर वह 28 रुपए यातायात पर खर्च करता है और 800 में ही बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको दिख रहा है कि D1 आपके पास कितना दिया है 10% और D2 कितना दिया 15%। क्लियर दोस्तों। अब आगे क्या कहा कि वो बाद में कर लेंगे, आगे क्या कहा कि आपसे एक बात तो देखा ही है कि वो खर्च कितना कर देता है 85 रुपए, कितने सॉरी 28 रुपए कर देता है खर्च, किसमें यातायात पर, यातायात पर। क्लियर। अब वो बेचता कितने में, ग्राफ एन जो खरीद कर ले रहा उस बेच कितने में दे रहा, वो एमआरपी पर ही बेच रहा है, तो उसका क्या प्रॉफिट परसेंट आपको बताना है। तो आप देख लीजिए कि आपके पास 800 है, इस पर अगर आपने 10% की छूट दी तो 990/100, अब इस पर भी आपने कितने की 10 15% की छूट और दे दी तो 85/100 हो जाएगा आपका, क्या 85/100 हो जाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, अगर 5 से काटेंगे तो 17 बार जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो ये कितना बार जाएगा, 2 बार। अब इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार, क्या 4 बार। आप कितना आप करके देख लीजिए, 4 × 9 × 17, क्या 4 × 9 × 17 या कर लीजिए 36 × 17, कितना 36 × 17। क्लियर दोस्तों। कितना 36 × 17, कितना 36 × 17, तो आपके पास कितना आएगा, 17 × 102, 2 10 बचेगा, 17 17 3 51, इनका 10 61। क्लियर दोस्तों। क्या 612 आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा 612 आ जाएगा। अब आगे आप देखिए, क्या अब आगे आप देखिए तो उसे क्या, उसने कितने में खरीद ली थी, उसने खरीद ली थी कितने में, 612 रुपए में। अब उसके पास क्या हो गया, +28 रुपया क्या हो गया, उस ग्राहक का यात्रा पर खर्च हो गया, क्या यातायात पर खर्च हो गया। तो क्या हो जाएगा यार, आप इसमें कितना हो जाएगा, 0 4 640 रुपए, यानी कि अब उसका सीपी कितना बन जाएगा, 640 रुपए। क्लियर दोस्तों। अब उसने उसका सीपी कितना था, आपको दिख रहा है उसका एसपी कितना है, 800 रुपए। क्लियर दोस्तों। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 800 - 640। क्लियर दोस्तों। क्या 640, तो अब बचेगा कितना, उसको कितना बचेगा, 640 है तो कितना बचेगा, 160।
कितने की खरीदी उसने? 640 की खरीदी थी, 900। अब इससे काटेंगे तो कितने हो जाएगा? 4 बार। और इससे काटेंगे तो कितने बार? 25%। कितना? तो अब आपको दिख रहा होगा कि व्यापारियों कितने परसेंट का लाभ होगा? 25% का। यानी कि इसका आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ कि मुझे दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो आपने 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। क्या? आपने 6 नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास? तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास कि एक खुदरा व्यापारी है और एक थोक विक्रेता से 36 पेन की अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। क्या? 36 पेन के मूल्य पर वो अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन में कि आपको इसका लाभ ज्ञात कीजिएगा अगर वो 1% का देता है तो। ठीक है दोस्तों, क्या 1% का अगर देता है तो आइएगा शुरू करते हैं कि क्या थी कि 36 पेन का उसका क्या था। 36 पेन में खरीदी, 36 पेन के मूल्य पर, यानी कि उसका सीपी कितने का हो जाएगा? आप उसका सीपी मान कितने का हो जाएगा? 36 का। कितने का हो जाएगा उसका सीपी? 36 का। और उसने क्या 40 पेन खरीद ली, यानी कि उसकी 40 पेन आ गई। अब ठीक है, क्या 40 पेन आ गई उसकी। अब उसने डिस्काउंट कितने का दिया? 1% का। क्लियर दोस्तों, क्या 1% का दिया। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1% का देगा तो 99/100। क्लियर? और इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब आपके पास 4 का गुणा करेंगे तो 4×9=36, 4×9=36, 36×36=39, यानी कि 39.6। यानी कि उसका जो एसपी आएगा कितने का आएगा? 39.6 का आएगा। क्लियर दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट आपके पास कितना होगा, 39.6 - 36। क्लियर दोस्तों, तो अब आपके पास कितने का आएगा? 3.6 का क्या आएगा आपके पास? क्या आएगा? लाभ 3.6 का आपके पास प्रॉफिट आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। क्या? यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या हुआ, अब उसके पास सीपी कितने का था? 36 का था, गुणा 100। क्लियर दोस्तों, अब पॉइंट हटेगा तो इधर से क्या 0 कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्या आएगा? 0 कट जाएगा। अब इसे आप काटेंगे 36 एवं 36। क्लियर दोस्तों, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10% का प्रॉफिट। यानी कि अगर वो 36 पेन के क्रय मूल्य पर 40 पेन खरीदता है और 1% का उसको क्या डिस्काउंट देता है तो क्या 10% का लाभ आ जाएगा, उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें। क्या? आपसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या? आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हमारे कई बार आ चुका है। क्या? कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप क्या 7 नंबर क्वेश्चन को आप सही से स्टडी करें, क्या आप सही से पढ़ें और उसे सही से समझें और उसके बाद क्या आंसर दें। क्या? आप उसे सही से पढ़ें, सही से समझें और उसके बाद उसका आंसर दें। ठीक है दोस्तों, तो क्या है आपके पास क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। क्लियर है दोस्तों, क्या 7 नंबर क्वेश्चन। क्या? अब हमने अंकित मूल्य है यानी कि हमने क्या सीपी मान लिया। क्लियर दोस्तों, कितना मान लिया? 100। क्या? कॉस्ट प्राइस हमने क्या 100 मान ली है। अब आपके पास एमआरपी, और एमआरपी उसने क्या किया है, इसका इसका क्या कर दिया, 10% गेन कर दिया, यानी कि 10% अधिक अंकित कर दिया। क्लियर दोस्तों, तो क्या हो जाएगा उसका 110। क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब हमने क्या किया, अब वो है क्या डिस्काउंट दे रहा है कितना, 10% का।
10% का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो क्या होगा, तो क्या होगा 110 इंटू 90 बटा 100। अब क्या हो जाएगा, अब आपको दिख रहा है 11,99, यानी कि उसका सीपी था कितना 100 और अब एसपी उसका कितना आया 99, यानी कि उसे क्या हुआ लॉस, कितना हुआ लॉस हुआ, यानी कितने का 1 का। क्लियर दोस्तों, यानी कि 1/100 × 100%। क्लियर दोस्तों, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1% का उसको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1% का लॉस हो जाएगा, यानी कि आपका 7 नंबर का डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आपको सिर्फ इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको अगर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, कितना एक्स प्लस बाय, क्या आप इसे ऐसे कर सकते हैं अगर हानि, यानी कि इसमें हमेशा क्या हानि ही होती है, क्या एक्स माइनस बाय बराबर माइनस, क्या क्या हो जाएगा एक्स माइनस बाय इंटू में है ये बटा 100%। क्लियर दोस्तों, तो आपके पास यानी कि 10 − 10 = 10 × −10 कितना −10/100। क्लियर दोस्तों, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका आपके पास क्या बचेगा, यहां से कट जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 1, यानी कि माइनस किसको डिनोट करता है, तो माइनस आपका क्या हानि को कर सकता है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते थे 2x/100। और अब आपको क्या, अगर आपको x% की आप वृद्धि कर रहे हो और x% की ही कमी कर रहे हो, क्या x% की वृद्धि कर रहे हो और x% की ही आप कमी कर रहे हो, तो आपको क्या होगा हमेशा क्या होगी हानि होगी, हमेशा क्या होगा हानि होगी। तो क्या आएगा आपके पास माइनस, ये आप कर लीजिए 2 × 10/100। क्लियर, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी क्या होता है एक्स स्क्वायर, नहीं यहाँ पर 2 नहीं आएगा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर, तो क्या होगा 10 × 10 तो कट जाएगा, तो कितना आएगा आपके पास 1। क्लियर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, मैंने तीनों तरीके आपको बता दिए हैं, क्या मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। तो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, क्या देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व करिए, समझिए, स्टडी कीजिए सही से, उसके बाद आंसर दीजिएगा। और मैं हर बार हर क्लास में एक ही बात कर रहा हूँ कि आपको जो कुछ भी हो जाए अगर आप कर भी नहीं पा रहे हैं तो आप क्या क्या नहीं करोगे, गलत नहीं करोगे, क्योंकि गलत करने से क्या होता है हमारा माइनस मार्किंग हो जाती है, क्या माइनस मार्किंग हो जाती है। 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे सॉल्व करिएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा, क्या आपने 1 नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा, समझ लिया होगा, समझ लीजिएगा होगा। तो आइए देखते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति एक मोटर कार के लिए एकमात्र छूट 15% लेने के बाद इसके इसके लिए वह 17,000 रुपए देता है, यदि उसे क्रमशः 5% तथा 100% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाते तो उसने उसे कितने अदा करने होते। क्लियर दोस्तों, तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं कि क्या एक बट्टा दे रहा है कितने का 15% का, कितना दे रहा है 15% का। क्लियर दोस्तों, क्या आप देखिए कि क्या दे रहा है 15% का, ठीक है। अब आपके पास बट्टा दे दिया कितने का 15% का दे दिया। क्लियर दोस्तों, यानी कि अब क्या होगा एक्स का 85% बराबर कितना हो रहा 1700 रुपए, यानी कि हमने एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना मान लिया एक्स मान लिया। क्लियर दोस्तों, क्या एक्स मान लिया, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 75 × 17 = 17 यानी कि 3 0 और 17 × 85 5 इसे सॉल्व करेंगे तो कितनी बार 20 बार। क्लियर दोस्तों, तो आपका अंकित मूल्य कितना आ गया, कितना आ गया 2 कितना आ गया 20,000 रुपए, क्या आपका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 20,000 रुपए। अब उन्होंने क्या कहा कि इसी अंकित मूल्य पर वो क्या कर रहे हैं, इसी अंकित मूल्य पर पहले कितने का दे रहा 10 का बट्टा यानी कि 90/100। क्लियर दोस्तों, अब क्या कह रहे हैं वो कि अब इसी पर वो 5% का और दे रहे हैं, कितने का
5% का दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 95। ठीक है दोस्तों, अब इसमें दो जीरो कट जाएंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास कितना आ गया, कितना आ जाएगा 10, कितना हो जाएगा 20 गुणा 9 गुणा 95। क्लियर दोस्तों, अब आप कर लीजिएगा 9 × 9 = 45, कितना 9 × 45 9 × 81 81 85 85। क्लियर दोस्तों, अब इसमें अगर आप 20 का गुणा कर लीजिए क्या होगा, 0 5 × 2 = 10, 5 × 10 = 11, 8 × 2 = 17। यानी कि अगर आप उसे वो 10 का और 9 का 5% का बट्टा देता तो कितना 100 रुपए अधिक करना पड़ता, यानी 17,100 रुपए, 17,100 रुपए और करने पड़ते, और पहले का कितने करना था 17,000 रुपए। क्लियर दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास अगर एक 15% का और दूसरे दे रहे 10 और 5 का, तो आपको क्या, आपको चूज जे वाला करना है ना कि जे, क्योंकि आजकल बहुत ही ज्यादा लूटने वाले बैठे हैं, क्या लूटने वाले बैठे रहते हैं दुकानों पे, तो आप क्या करें, आप सही चूज करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आप बताइएगा, यानी कि आज की क्लास आपको कैसी लगी आप बताइएगा कमेंट करके, और आपको अच्छी लगी हो तो आपको शेयर करना तो बनता ही है, और आप लाइक तो कर ही दीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंडों के साथ सही से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको समझ में आया है तो बनता है। क्लियर दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है तो समझ में तो आ ही गया होगा, तो बने रहिए अपने सक्सेस फिक्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।